मुमरा कौसा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 52, कुछ इलाके हुए सील तो कुछ की खोली गई सील। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 30 अप्रैल गुरुवार तक मुमरा कौसा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 52 पर पहुंच चुकी थी, जिसमें आपको बता दें एक सुहाना कंपाउंड का जो मरीज शामिल था उसकी मौत होने की खबर सामने आई है। काफ़ी उम्रदराज व्यक्ति थे ये जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस 52 के आंकड़े में हम आपको बता दें कुल अब 2 लोगों की मौत और 16 लोग ठीक होकर के वापस आ चुके हैं। तो ऐसे 18 लोग निकाल दें तो 34 एक्टिव केसेस कोरोना की अभी शहर में बची हुई है। 52 में से 34 एक्टिव हैं, 2 मृत हैं और 16 ठीक होकर के वापस आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की अलग अलग इलाकों में मौजूदगी और एक्सपोजर होने के कारण अब कई इलाके सील भी किए जा रहे हैं। कौसा चरनीपाड़ा में भोईर निवास के पास एक मरीज पाया गया, उसे कैसे मनपा का स्वास्थ्य विभाग लेकर गया वो वीडियो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद शमशाद नगर में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मंगलवार और बुधवार के दिन के बीच में पाया गया था, वहां सील करने का काम किया गया है। चांद नगर के पीछे भारत स्कूल से अंदर जाएंगे, रॉयल पाम सोसाइटी पहले ही सील की गई थी, अब उसके आसपास का इलाका भी सील किया गया है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद जिस खलील पेंशन से कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटाइन के तहत कुछ लोगों को जांच के लिए ले जाया गया था, तो उस खलील मेंशन को सील किया गया था। 30 अप्रैल गुरुवार के दिन यहां की सील भी खोल दी गई। कैसे ये सील खोली गई उसके वीडियोस हम आपको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कोरोना अपडेट में मुमरा कौसा में कुल मरीजों की तादाद 52, 16 ठीक होकर के वापस लौटे हैं, 2 लोगों की मौत हुई है, तो ऐसी 34 एक्टिव केसेस हैं। खलील मेंशन का सील खुल चुका है, तो दूसरी तरफ चांद नगर के पीछे की तरफ रॉयल पाम के पास वापस सील लगी है नए इलाके में, वहां से कुछ कोरोना पॉजिटिव 1 या 2 मरीज पाए गए हैं। इसी तरह से शमशाद नगर में भी जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया जाने के कारण वहां पर भी सील लगाने का काम मनपा के अतिक्रमण विभाग ने किया है। तो यह है आज का हमारा कोरोना अपडेट। जल्दी हाजिर होंगे हम अपने अगले नए अपडेट के साथ। अभी तक हमारी 7 इमारतों की सील खुल गई है। जितनी बिल्डिंगें को रेड जोन के लिए लगाई थी सील, वो सारी बिल्डिंगें खुल गई है जी। खलील मेंशन और ख्वाजा पैलेस भी खुल गई है। साथ ही में आज हमारे यहाँ से लेकर अमृत नगर तक जितने भी लगभग रेड जोन का मामला था वो ख़त्म हो गया, लेकिन एक पेशेंट जो कल सुहाना में मिला है उसका ही अब चिंता के विषय है। वही वो सुहाना का एरिया परिसर थोड़ा सा रेड जोन में आएगा। क्या हुआ उस पेशेंट को? उस पेशेंट को कल हमने जब सिविल में एडमिट की वहाँ 9:45 पे जाके डेथ हो गई। आपके ज़रिए मैं मुमरा कौसा की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान रखिए कि ये बहुत गंभीर विषय है। हमको घर पे रह के ही इस बीमारी की लड़ाई से हम लड़ सकते, बाकी इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारा परिवार भी तकलीफ में आएगा। बाकी सारी बीमारी में जो बीमार होता था बेचारा वो तकलीफ़ में आता था, ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर जिसको हो गया पॉजिटिव तो उसके साथ साथ उसके परिवार को क्वारंटाइन में और उसको भी तकलीफ़। तो इसीलिए मैं मुमरा कौसा की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, और ये गंभीर विषय है, चिंता का विषय है कि आप लोग घर में रहिए। हम लोग प्रशासन, डॉक्टर, म्युनिसिपैलिटी, प्रेस आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए रोड पे है।